नमस्कार दोस्तों, मैं कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप, फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 17 मई सन 2022, आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे कृषि जींसों पे होने वाली हलचल, नॉन एग्रो कमोडिटीज में क्या होगा और शेयर बाजार के अंदर क्या हो सकता है, साथ ही कृषि जींसों पर आज की हलचल। सबसे पहले राशियों के आधार पर आपका नफा नुकसान। भारतीय ज्योतिष में 12 राशियों को 4 एलिमेंट यानी 4 एलिमेंट्स के अंदर डिवाइड किया गया है, अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल। अग्नि तत्व की 3 राशियाँ 1, 5 और 9 यानी मेष, सिंह और धनु राशि आपके लिए दिन आज शायद मुफीद ना रहे, परेशानियां बढ़ सकती हैं। लिए गए निर्णय को एक बार पुनः जांच लें, विशेषकर 12 से 1 बजे के बीच। पृथ्वी तत्व की 3 राशियां 2, 6 और 10 यानी वृषभ, कन्या और मकर राशि आपके लिए दिन मिश्रित रहने की संभावना है, विशेषकर 1 से 2 बजे के बीच में आपको बड़े रिस्क से बचना चाहिए। 3, 7 और 11 यानी मिथुन, तुला और कुंभ राशि आज आपके लिए दिन अच्छा रह सकता है, शुभ रह सकता है, लेकिन 2 से 3 बजे के बीच में रखनी है अतिरिक्त सावधानी। 4, 8, 12 जी हाँ, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि, यह है जल तत्व की राशियां मिश्रित रुख की तरफ इशारा कर रही हैं। 3 से 4 बजे तक के बीच में 1 घंटा आपके लिए अतिरिक्त सावधानी का हो सकता है। तो दोस्तों, ये था राशियों के आधार पर आपका नफा या नुकसान। अब कृषि जींसों पर क्या संभावना है। गौरतलब है, हमने आपको विशेष इंटरव्यू में वीट के ऊपर यानी गेहूं पर अपना मत दिया था। आपको याद है कि उस विशेष इंटरव्यू के अंदर जब हमसे मार्केट टाइम्स, जब टीवी ने पूछा कि गेहूं में अब क्या संभावना बन सकती है भारत सरकार द्वारा गेहूँ के इस एक्सपोर्ट बैन के बाद, तब हमने यही कहा था कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में गेहूं की कीमतों में तेजी होने की संभावना है। कल वीट यानी गेहूं ने अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में ऑल टाइम हाई यानी 6% की एक तरफा तेजी दर्ज हुई। साथ साथ भारतीय निर्यातकों के बीच में एक निराशा का माहौल भी बना और व्यापारी संगठनों का यहाँ तक कहना है कि सरकार ने पहले गेहूं के निर्यात को प्रोत्साहन देने वाली बातें कहीं, मीटिंग्स की और पूरा प्रयास किया। जब व्यापारियों ने MSP यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य से ऊपर गेहूं की खरीदी की एक्सपोर्ट के मकसद से, अब अचानक से गेहूं के निर्यात पर बैन लगाकर परेशानियां बढ़ा दी हैं। गौरतलब है, सूचना भी मिल रही है, लगभग 5,000 से के आसपास ट्रक्स वीट के लदे हुए मुंबई और कांदला बंदरगाहों पर खड़े हैं, जिसकी अभी लोडिंग नहीं हुई है। तो दो, और इसके साथ साथ कुछ व्यापारिक संगठनों ने इसका विरोध भी जताया है और यही कहा है कि मध्य प्रदेश के 200 से अधिक मंडियों में 2 दिन की का स्ट्राइक का भी आह्वान किया गया है। तो दोस्तों, ये था कृषि जींसों पर आज का अपडेट। कैस्टर सीड में आपको याद होगा कल हमने तेजी की बात कही थी जो सत्य साबित होती देखी गई, कल भी, आज भी कैस्टर सीड यानी अरंडी पर तेजी की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। अब शेयर बाजार में क्या संभावना है। गौरतलब है, कल हमने आपको शेयर बाजार में निचले स्तर पर खरीदारी करने का अग्रिम अनुमान विश्लेषण प्रस्तुत किया था जो कि सत्य साबित हुआ। आज भी हम इंडियन सिस्टम ऑफ एनालिसिस यानी भारतीय विश्लेषण पद्धति और फंडामेंटल एनालिसिस के आधार पर ये कह सकते हैं कि शेयर बाजार के अंदर निचले स्तर के ऊपर खरीदारी लौट सकती है, विशेषकर मेटल और सरकारी क्षेत्र की कंपनियों पर नज़र रखनी उचित रहेगी। हिंदुस्तान कॉपर, टाटा स्टील, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ONGC जैसे स्टॉक्स के अंदर तेजी की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। देश का सबसे बड़ा IPO में से एक LIC का IPO की आज लिस्टिंग होने की संभावना है और वो लिस्टिंग इशू प्राइस से नीचे होने की संभावना है। शुरुआती दौर के अंदर गिरावट की और अग्रसर हो सकता है, विशेष सावधान रहें। लेकिन जिन निवेशकों ने LIC के IPO में निवेश नहीं किया है, उनके लिए एक मौका भी हो सकता है कि लिस्टिंग प्राइस से डिस्काउंट पर वो निवेश कर सकते हैं, क्योंकि LIC का मार्केट कैप
लगभग 5.5 लाख करोड़ को क्रॉस कर चुका है और ये देश की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी में से में है। और इस इनके जो दाम है वो एक अच्छे आकर्षक है यदि आप लंबी अवधि के निवेशक हैं। तो ये था शेयर बाजार पर आज का आकलन। अब नॉन एग्रो कमोडिटीज़ के अंदर क्या संभावनाएं बनती हैं, आज नेचुरल गैस और सोने चांदी के ऊपर नज़र रखनी उचित रहेगी, वहाँ तेजी की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। महत्वपूर्ण बिंदु छोटी अवधि एवं छोटे व्यापारियों के लिए यह है कि समय पर मुनाफा वसूल करें, तेजी का हो या फिर मंदी का। लंबी अवधि के व्यापारियों या निवेशकों के लिए ये महत्वपूर्ण होता है कि जब निचली लेवल पर माल खरीद सकें तो खरीदें और जब और धैर्य से उसको रोक के रखें और जब अच्छा मुनाफा मिले तब उसको बेचें। छोटी और अल्प अवधि के लिए अलग स्ट्रेटजी यानी रणनीति होती है और लंबी अवधि की निवेश के लिए अलग रणनीति होती है, इसका ख्याल रखें। एक और महत्वपूर्ण बात, निवेश करने से पहले या व्यापार करने से पहले रिस्क मैनेजमेंट यानी जोखिमों का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है। अपनी क्षमताओं से अधिक बिल्कुल काम नहीं करना चाहिए, अध्ययन और विवेक का स्थान का भी विशेष ख्याल रखकर ही ट्रेड करना चाहिए। दोस्तों एक और महत्वपूर्ण चीज़ आपसे मैं चर्चा करना चाहता हूँ, हमेशा मैंने कहा है कि ओवर लिवरेज ओवर ट्रेडिंग हमेशा व्यापारी या निवेशकों को परेशानी में डाल देती है। ग्रीड और पैनिक दो बड़े शत्रु हैं, अतः देखभाल कर काम करना चाहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।